हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू वन एकेडमी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं निखिल गोयल एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का अपने एजुकेशन इंजीनियरिंग लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी शिद्दत के साथ एज यूजुअल एज ऑलवेज आप लोगों को पढ़ाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पधार रहा हूँ, पधार चुका हूँ, पधारूंगा, पढ़ाता रहूंगा। बस आप लोग पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए वीडियो को। इसी तरह का कंटेंट जो इरिगेशन इंजीनियरिंग में मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसी तरह का कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहेगा। आप अपना काम करते रहिए, वीडियो से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, और हमारा, अपने माँ बाप का, अपने देश का और अपना नाम रोशन करते रहिए। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों के लिए इरिगेशन इंजीनियरिंग, जो कि जनरली मैं अपने पेड कोर्स में पढ़ाता हूँ, वो मैं पढ़ा चुका हूँ और पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी लेक्चर पहले दे चुका हूँ। उम्मीद है अगर आप पहली बार मेरे सेशन को देख रहे हैं तो इससे पहले वाला लेक्चर भी देख लेना। काफ़ी सारे लेक्चर दे चुका हूँ, 4-5 लेक्चर हो चुके हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के। एक एक चीज बड़ी डिटेल में क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को कराने का प्रयास है मेरा, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये बात कह सकता हूँ कि मैं अपने प्रयास में जरूर सक्सेसफुल होऊंगा। नाउ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं अपना प्लस कोर्स लॉन्च कर चुका हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप मुझसे मेरे प्लस कोर्स में इसी तरह का कंटेंट पाना चाहते हैं, इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं, सो मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस कोर्स में आप लोगों को मेरी तरफ से डिटेल्ड कोर्स पढ़ाया जाता है। सब कुछ जो आपके एग्जाम के लिए आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। सो दिस इज माय कोड NGLIVE। ये कोड जब आप पेमेंट करते टाइम लगाते हैं तो आप डायरेक्टली मेरी फैमिली से जुड़ जाते हैं। मैं और मेरी टीम आप लोगों को वहां पर पूरा नॉन टेक्निकल और टेक्निकल बड़ी शिद्दत के साथ डिटेल में प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, नोट्स के साथ, लाइव डाउट सेशन के साथ, लाइव लेक्चर के साथ पढ़ाते हैं। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए, इसी तरह के नोट्स के लिए, इसी तरह की स्ट्रेटजी के लिए और इसी तरह के सपोर्ट के लिए मेरी फैमिली से जुड़िए। मेरी गाइडेंस में अपनी सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं, सीखने का प्रयास भी करिए, क्योंकि मेरा फंडा रहता है कि मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊं नहीं, मैं आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग के कुछ प्रैक्टिकल फैक्ट्स भी बताऊं कि थ्योरी से प्रैक्टिकल को किस तरह से रिलेट किया जाता है और इसका फ्यूचर में आपको कहां यूज मिलेगा। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहती है और मैं अपने लेक्चर्स में यह बताने का प्रयास भी करता हूं स्टूडेंट्स को। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, याद रखना है आप लोगों को, NGLIVE इज माय कोड। अभी इसी के साथ छोटा सा इंफॉर्मेशन और देता हूं बच्चों कि ये NGLIVE कोड जो है ना, ये आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनअकैडमी पर आप लोगों को 32+ कोर्स की तैयारी करवाई जाती है और ये सारे टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं। तो भैया, इन 32+ कोर्स में आप इस NGLIVE कोड को अप्लाई कर सकते हैं अगर 10% का डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं, मुझसे जुड़ने के लिए खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो भैया, आप इस कोड को याद रखेंगे, NGLIVE कोड है हमारा। इसी के साथ जब आप पेमेंट करते हैं ना, तो पेमेंट करते टाइम आप लोगों को इस तरीके से एक इंटरफेस मिलेगा। यहां आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है, हैव अ रेफरल कोड का, उसके साथ ही गिफ्ट बना होता है। भैया, गिफ्ट तो जरूरी है ना, 10% का डिस्काउंट मिलता है तो एक साल की कॉस्ट आफ्टर अप्लाइंग द NGLIVE कोड, यहां अप्लाई करना है, एक साल की कॉस्ट आपकी 5400 रुपए और दो साल की कॉस्ट आपकी 6480 रुपीज पड़ती है। दैट इज द कंप्लीट पैकेज कॉस्ट। इट मींस आपको अलग से कुछ नहीं देना होता, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है, चाहे नोट्स हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो आपके लाइव लेक्चर्स हो, चाहे वो आपके डाउट सेशन हो, चाहे वो आपके PDF हो, कुछ भी हो, सब इसमें इंक्लूड होता है, अलग से कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, बहुत काम की बात है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए अपने इरिगेशन को स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह, एज यूजुअल एज ऑलवेज, उसी एनर्जी के साथ। जो मैं लिखवाऊंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, मेरी आप लोगों से एडवाइस और रिक्वेस्ट रहेगी कि नोट्स प्रिपेयर करना, क्योंकि आपके फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, फिर सेशन के लास्ट में दोबारा से थोड़ी सी बात करेंगे। याद रखना, NGLIVE कोड इज माई कोड। टू ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, यू नीड टू लर्न दैट कोड एंड अप्लाई दैट कोड ड्यूरिंग द पेमेंट। इट विल गिव यू 10% डिस्काउंट, दैट इज द इंस्टेंट डिस्काउंट, तुरंत के तुरंत आपको पता लग जाएगा। और जब डिस्काउंट मिले ना, तो मुस्कुराइएगा क्योंकि आप मुझसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे कि रेगुलेशन वर्क होता क्या है, रेगुलेशन वर्क किस लिए किया जाता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेगुलेशन वर्क, तो डिटेल इसकी लेंगे। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फॉल्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द आउटलेट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द escapes, and after that
विल बी गोइंग टू स्टडी अबाउट सम फैक्टर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि नाम कहलाता है सेंसिटिविटी, जो कि नाम कहलाता है फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि नाम कहलाता है प्रोपोर्शनैलिटी। इन सभी के अक्सर एसएससी जेई के क्वेश्चन देखे गए हैं, जो आपके ऊपर वाले टॉपिक है फॉल्स। मैं आपको बता दूं, जो पूरे का पूरा फॉल्स का टॉपिक है, ये आप लोगों का एसएससी जेई की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं है। दिस इज ओनली फॉर द पीएससी एग्जाम, ठीक है। लेकिन आउटलेट और एस्केप्स की बात करूं तो दैट इज इन द सिलेबस ऑफ एसएससी जेई। सो मेरे प्यारे बंधु, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द कैनाल रेगुलेशन वर्क एंड दीज टर्म्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर एग्जाम भी देखेंगे तो आप लोगों को इन तीन टर्म से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई विल से दैट कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी जेई एग्जाम। ये एसएससी जेई एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए खास बन सकता है, ठीक है। अभी सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि मुझे प्लीज ये बता दो, मेरी आवाज अब तक आ रही है कि नहीं आ रही, सब कुछ सुनाई दे रहा है, दिख रहा है, ताकि मैं अपने सेशन को फर्दर स्टार्ट कर सकूं। ओके, सो अभी बात आती है कि व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस सेशन। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो मेरे पास यही चीज आती है कि कैनाल रेगुलेशन वर्क से आप लोग समझते क्या है। आई विल से दैट कैनाल कैनाल को रेगुलेट करना, जाहिर सी बात है, उन डिवाइसेस का यूज करना, उन मेथड्स का यूज करना जो आपकी कैनाल को रेगुलेट करने के काम आती है। व्हाट डू यू मीन बाय द रेगुलेशन ऑफ द कैनाल? एक मिनट का पेशेंस रखोगे आप लोग? एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो एक मिनट का पेशेंस रखोगे? मैं आया, ठीक है, एक मिनट का पेशेंस रखना, मैं आया। अभी बात आती है यहां से, व्हाट डू मीन बाय कैनाल रेगुलेशन वर्क? कैनाल रेगुलेशन वर्क का मतलब होता है कि इन दिस टर्म वी नीड टू रेगुलेट द वर्किंग ऑफ द कैनाल। वी नीड टू रेगुलेट द कैनाल, व्हाट डू मीन बाय रेगुलेशन ऑफ द कैनाल? आई नीड टू रेगुलेट द डिस्चार्ज ऑफ द कैनाल, आई नीड टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ द सिल्ट दैट हैज टू बी कैरी आउट विद द कैनाल ड्यू टू द इरोजन। I have to regulate it so that main canal से जब distributary canal में या हमारी field में जब पानी आता है तो हमको उसको canal को control करना पड़ता है। तो discharge control करूंगा, I will say that I will control the amount of the silt in the canal so that जो भी canal का purpose है वो efficiently और effectively हो सके और मुझे output बहुत अच्छा मिल सके। That is my main duty as an irrigation engineer to regulate the canal. So, what is the meaning of regulation of the canal? I will say that regulation of the canal means regulation of canal includes what? It includes discharge, it includes depth of the flow, it includes discharge of the flow, depth of the flow, I will say that velocity of the flow in the canal, velocity of flow in canal. I will say that ki actually mein there are many devices and methods have been used to actually regulate the flow of the canal. For regulation work as follows, basically 5 tarike ki use karte hain, main aapko bata deta hu.
और कौन सी होती है, ये आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है, जेई लेवल के क्वेश्चन इसी टाइप के हमारे आते हैं। जैसे कि मैंने कहा सबसे पहले तो आप लोग कैनाल फॉल्स को यूज करते हैं, आई विल गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी। दूसरी चीज मैं कहूंगा वी आर गोइंग टू यूज कैनाल एस्केप्स, हम कैनाल एस्केप्स को भी यूज कर रहे हैं। तीसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा वी आर एक्चुअली ऑल्सो यूजिंग द कैनाल आउटलेट्स, हम कैनाल आउटलेट्स को भी यूज करते हैं। चौथी चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग यहाँ इसी के साथ साथ कुछ फ्यूम्स को भी यूज करते हैं। और पांचवी चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा इसी के साथ हम कुछ रेगुलेटर्स को भी यूज करते हैं। अभी रेगुलेटर्स क्या होता है, आई एम गोइंग टू टेल यू वन वर्ड रिगार्डिंग दिस, दैट इज नोन टू बी एज द वाल्व्स। आप सभी ने फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर वाल्व्स के बारे में पढ़ा होगा, मैंने खुद ने पढ़ाया। वाल्व क्या होता है, वाल्व इज द काइंड ऑफ द गेट विच कैन बी ओपन और क्लोज एज पर आर रिक्वायरमेंट। अगर हम वाल्व को बंद कर देते हैं तो पानी नहीं बहता, वाल्व को खोल देते हैं तो पानी बह जाता है। उनको कहा जाता है एक तरह का रेगुलेटर इन टर्म्स ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग, इट इज नथिंग एल्स। ठीक है, तो चलिए आपको ये चीज तो समझ आ गई कि रेगुलेशन वर्क में हम लोगों को बेसिकली करना क्या होता है और रेगुलेशन वर्क करा क्या जाता है। अब एक छोटा सा टर्म यहां से मैं अपना स्टार्ट करूंगा, दैट इज मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज आजकल के एसएससी पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यहां पर कैनाल फॉल्स। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं और एक स्ट्रक्चर बना के समझाने के बाद जो चीजें आएंगी वो ज्यादा अच्छी रहेंगी। मैं यहां पर कहना चाहता हूं, सपोज लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने देखा होगा आपका यहां से पानी आता है कई बारी, और ये पानी आता आता कुछ ऐसे गिरता पड़ता या तो आगे आपकी लेक में जाता है या आगे आपकी फील्ड में जाता है, जहां पे भी जाना है ये पानी वहां पे चले जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं, आपका पानी का लेवल यहां था, दैट इज योर अपस्ट्रीम लेवल एंड दैट इज योर डाउनस्ट्रीम लेवल। मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे, यहां से मैंने कहा कि ये अपस्ट्रीम लेवल से डाउनस्ट्रीम लेवल की तरफ आ रहा है, एंड एक्चुअली द ग्राउंड स्लोप इज लाइक दिस, एंड एक्चुअली द ग्राउंड स्लोप इज लाइक दिस, दिस इज व्हाट, दिस इज माय ग्राउंड लेवल एंड दिस इज माय एफएसएल फुल सप्लाई लेवल। आई कैन से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड कंडीशन आई नो दैट कि वाटर विल बी कम डाउनवर्ड एट एवरी एक्सटेंट, हमेशा पानी जो है वो नीचे यहां तक आ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ देयर इज एनी चांस तो यहाँ थोड़ा सा पानी ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, इस पोर्शन पे थोड़ा सा पानी ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा ही होगा, उसकी कोई मात्रा की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि ग्राउंड से पानी नीचे की तरफ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, आई कैन से दैट कि एक्चुअली में जो ओरिजिनल ग्राउंड लेवल था उसका स्लोप बहुत ढलान की तरफ था, जो ओरिजिनल ग्राउंड लेवल था वो बहुत ढलान पे था, दैट इज एट वेरी स्टीपर एक्सटेंट, सो दैट व्हेन द वाटर विल बी गोइंग ऑन द ग्राउंड स्लोप इट विल अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी एंड इट कैन कॉज मेजर प्रॉब्लम इन माय फील्ड, इट कैन कॉज इरोजन ऑफ माय सॉइल, इट कैन कॉज इरोजन ऑफ माय क्रॉप एज वेल अलोंग विद द सॉइल। वो जो पानी बहुत वेलोसिटी के साथ आएगा वो मेरे खेत में तबाही मचा सकता है, मेरे खेत की जड़ों को भी उखाड़ सकता है, मेरे खेत में खेती नहीं होने देगा, साथ के साथ मिट्टी को भी उखाड़ देगा। तो मेरे लिए वो पानी नुकसानदायक हुआ, मुझे सिर्फ पानी नहीं चाहिए, मुझे पानी के साथ साथ फ्लो भी चाहिए, और वो फ्लो एक लिमिटेड एक्सटेंट पे होना चाहिए, ना तो कम ना तो ज्यादा। तो मैं क्या करता हूं, इस पानी की एनर्जी को डिसिपेट करना मेरा काम, इस पानी की एनर्जी को डिसिपेट करना एक इंजीनियर का धर्म आया यहाँ पर, और अपने कर्तव्य से पीछे हटने वाले हम भी नहीं है। हम क्या दिमाग लगा रहे हैं कि यार अगर पानी के अंदर वो ढलान है, मुझे उस ढलान को कम करना है, और ढलान के साथ साथ उस पानी में आने वाली एनर्जी को भी खत्म करना है ताकि वेलोसिटी खत्म हो जाए। मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने इस ग्राउंड को काट के इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर बना दिए, मुझे पता है लेडीज एंड जेंटलमैन कि एक्चुअली द वॉटर हैज टू ट्रेवल मच लेंथ, और आप एक चीज जानते हैं कि जब पानी जो है वो ज्यादा लेंथ के लिए ट्रेवल करता है तो उसमें फ्रिक्शन लॉस भी बहुत ज्यादा होता है, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा,
कि ये पानी यहां पर खत्म हुआ था। मेरे पिक्चर पे गौर फरमाना, तुम्हें चीजें ज्यादा क्लियर होने वाली है। आई विल से दैट ये पानी यहां पे खत्म हुआ था और ये पानी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। आई कैन से लेडीज एंड जेंटलमैन कि पानी जो है वो सेम पोजीशन से ऊपर और नीचे, पोजीशन तो सेम है, जस्ट लेवल अलग है, पोजीशन तो सेम है, लेवल अलग है। एंड आई विल से दैट कि इन दिस पोर्शन, आई एम सेइंग इन दिस पोर्शन, इन दिस पोर्शन, इन दिस पोर्शन वॉटर विल बी गोइंग टू फॉल फ्रीली। यहां पर पानी का फ्री फॉल होगा, यहां पर पानी का फ्री फॉल होगा। मेरे ख्याल में पानी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है। भैया पानी जो है ना वो इस दीवार के सहारे बिल्कुल कम अमाउंट में आएगा, पानी गिरेगा, पानी गिरेगा, गिरेगा। मैंने कहा कि पानी का फ्री फॉल हो रहा है तो मैं चलो यहाँ के पोर्शन पे फ्रिक्शन लॉस नहीं ले रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज और कह सकता हूँ कि लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ और यहाँ के पॉइंट में फर्क नहीं है, दोनों की पोजीशन सेम है। यानी एक तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो मैं अपने पानी को डिस्टेंस ट्रेवलिंग ज्यादा बना रहा हूँ। मेरा पानी जो है अभी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिस लेंथ और दिस लेंथ। एज द ट्रेवलिंग डिस्टेंस इज मोर, देयर विल बी फ्रिक्शनल लॉस मोर। तो ड्यू टू द मोर फ्रिक्शनल लॉस देयर विल बी एनर्जी डिसिपेशन इन द वॉटर एंड द फ्लो विल बी इन द कंट्रोल्ड मैनर। आई कैन से दैट कि विद द हेल्प ऑफ द फ्लो, विद द हेल्प ऑफ द फॉल्स, एक अपस्ट्रीम का पानी एक डाउन स्ट्रीम में एनर्जी डिसिपेटेड होकर भी आ सकता है और मेरे कंट्रोल्ड मैनर में उस पानी को मैं अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम या अपनी फील्ड में ला सकता हूं। तो तुम लोगों को यह समझ आ चुका है कि फॉल क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फॉल, व्हाई इट इज बीइंग एक्चुअली यूज्ड। तो चलिए फॉल के बारे में लिख लेते हैं यहां पर। आई विल से दैट फॉल क्या है मेरा, यहां पर फॉल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड, स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अलोंग अ कैनाल टू अलाउ द वॉटर along a canal to allow the lowering of the water level from upstream to downstream with dissipation of energy. अभी आ रही है आवाज, अभी आ रही है। ओके सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी तुमको ये समझ आ चुका है कि एक्चुअली में कैनाल फॉल का पर्पस क्या है। एंड लिखना भी चाहे तो हम लिख सकते हैं आराम से। फर्स्ट ऑफ ऑल लोअरिंग द वॉटर लेवल, फर्स्ट ऑफ ऑल लोअरिंग द वॉटर लेवल। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा पर्पस के बारे में कि ये क्या करता है, एनर्जी डिसिपेशन ऑफ द वाटर, एनर्जी डिसिपेशन ऑफ द वाटर। इस कारण से आप लोगों का टोटल टोटल कैनाल फॉल बनाया जाता है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ द कैनाल फॉल, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ द कैनाल फॉल। तो आई विल से दैट कि वेरियस टाइप ऑफ द कैनाल फॉल कौन कौन से है। मेरा नेट ऐसी प्रॉब्लम कर रहा है। वेरियस टाइप्स ऑफ कैनाल फॉल कौन कौन से होते हैं? पहला मेरे पास आता है यहां पर ऑगी फॉल, दूसरा मेरे पास यहां पर आता है लेडीज एंड जेंटलमैन रैपिड फॉल, तीसरा मेरे पास यहां पर आता है स्टेप्ड फॉल, आईईएस के क्वेश्चन है ये, चौथा मेरे पास आता है यहां पर सारदा फॉल, पांचवा मेरे पास यहां पर आता है इंग्लिश फॉल, छठा मेरे पास आता है ग्लेशियस फॉल, बाकी एक और आता है माउंटेड फॉल, वो इन्हीं की सब कैटेगरीज में आता है। तो मेजरली छह टाइप के आते हैं मेरे पास, ये आप लोगों को याद रखना है। ऑगी फॉल एक और लिख लो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज द नॉच फॉल, दैट इज द नॉच फॉल। अब लेडीज एंड जेंटलमैन इनको एक एक करके मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। फिलहाल पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से दो चीजें पूछना चाहूंगा। आप मेरे को वो कंडीशन बता सकते हैं जहां पर आपको फॉल की जरूरत होती है? कैन यू प्लीज टेल मी द कंडीशन where you need to provide the falls? Hill, hill ऐसे नहीं लिखते हम, hill,
मतलब मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो ऐसा नहीं कि हिल में ही देते हैं, हिल में दे सकते हैं यस। एक तो सिंपल सी बात है, व्हेन एवर यू हैव द अपस्ट्रीम वाटर लेवल लाइक दिस एंड योर फील्ड इज एट दिस पोजीशन, व्हेन एवर देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन, व्हेन एवर देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन द अपस्ट्रीम एंड द डाउनस्ट्रीम, व्हेन एवर देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन द अपस्ट्रीम एंड द डाउनस्ट्रीम, तो हम क्या करते हैं, इस पानी को यहां से यहां तक लाने की कोशिश करते हैं और इस तरह प्रोवाइड करते हैं। पहला कंडीशन तो मेरे पास यही होता है, कंडीशंस क्या क्या है प्रोवाइड की, टू प्रोवाइड फॉल्स, देर इज मच डिफरेंस बिटवीन, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एंड लिमिटेड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम। गाइस मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप लोगों को अगर लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि नेट मेरा प्रॉब्लम कर रहा है, आज मैं क्लास भी कम नहीं कर सकता बिकॉज ऑलरेडी मेरी कम क्लासेस है, सो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको रिकॉर्डेड वर्जन पे देख लेना। आज के लेक्चर में कुछ ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल है या कुछ ऐसा नहीं है जो समझ नहीं आएगा, रिकॉर्डेड वर्जन पे ये स्मूथली चलेगा। रिकॉर्डेड वर्जन पे जितना भी बफरिंग होता है वो सब अपने आप डिलीट हो जाता है, सो आप इसको रिकॉर्डेड वर्जन पे देख सकते हैं इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन लाइव लेक्चर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, व्हेन एवर देयर इज डिफरेंस बिटवीन एंड द लिमिटेड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसी के साथ मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि जब आप लोगों के लिए अपस्ट्रीम डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता है, अपस्ट्रीम फ्लो इज अपस्ट्रीम फ्लो इज मैक्सिमम, तो आप लोगों को एनर्जी डिसिपेशन के लिए, फॉर एनर्जी डिसिपेशन हम लोगों को जनरली फॉल देना पड़ता है, फॉल्स आर प्रोवाइडेड, एनर्जी डिसिपेशन के लिए भी फॉल्स देना पड़ता है, ये चीज हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब मेजर बात आती है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपने फॉल्स के बारे में। तो सबसे पहले मेरे पास आता है यहाँ पर ऑगी फॉल। नाउ व्हाट इज ऑगी फॉल लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों को एक पिक्चर की हेल्प से समझाता हूँ और मैं आपको शो भी कर दूंगा पिक्चर बाद में। डिसिपेशन का मतलब होता है लॉस, डिसिपेशन का मतलब होता है लॉस, इसका मतलब होता है लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, अभी बात आती है कि आप लोगों का एक इस तरह का फॉल होता है, ऑगी फॉल की बात करूं तो एक इस तरह का फॉल होता है, आप देखेंगे बड़ा स्मूथ मैनर पे चलता है, बड़ा ही स्मूथ मैनर पे चलता है, मतलब इस फॉल के अंदर आपके कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों पार्ट होते हैं, ये कॉनकेव पार्ट है एंड दैट इज द कॉन्वेक्स पार्ट, और मैं कहना चाहूंगा ये दोनों ही स्मूथ है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो है ये दोनों ही स्मूथ पार्ट होते हैं। तो आई विल से दैट कि ये अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम तक फ्लो को ला रहे हैं और कॉन्वेक्स और कॉनकेव पार्ट से ला रहे हैं, तो ये स्मूथ मैनर में चलता है, इसपे आने वाले फ्लो में टर्बुलेंस कम होता है, इसपे आने वाले फ्लो में टर्बुलेंस कम होता है। तो आई विल से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन कि इन दिस फॉल, देख लो, इन दिस फॉल कॉन्वेक्स एंड द कॉनकेव, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पार्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड, कॉन्वेक्स पाथ इज प्रोवाइडेड सो दैट स्मूथ ट्रांजिशन एंड स्मूथ ट्रांजिशन फ्लो कैन पॉसिबल एंड एनर्जी डिसिपेटेड, एंड एनर्जी डिसिपेटेड। तो अभी तुमको ये चीज समझ में आ चुकी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी के साथ मैं पिक्चर शो कर देता हूँ सबकी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आई विल अपलोड वन पीडीएफ हियर। तो अभी मेरी बात आती है, एक मिनट का वेट करेंगे, मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी अगर पिक्चर साथ के साथ चल रही है। ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारी एक फॉल की पिक्चर है, नॉर्मल फॉल है कि ये मेरा ग्राउंड स्लोप आ रहा था और ग्राउंड स्लोप को काट के मैंने इस तरह का फॉल बनाया है ताकि मेरा कैनाल अच्छे से काम कर सके।
इसके बाद आप देख रहे हैं, ये जो आपको पिक्चर दिखा रखी है ये आपके ऑगी फॉल की पिक्चर है, ये आपके ऑगी फॉल की पिक्चर है। आप देख रहे हैं बड़े ही स्मूथ ट्रांजिशन के साथ आपका फ्लो आ रहा है, बड़ा ही स्मूथ पैटर्न के साथ आपका फ्लो चलेगा यहाँ पे, तो दैट इज अ काइंड ऑफ द ऑगी फॉल। बाकी जो मैंने आपको बताया वो ही है। अगला मेरा जो फ्लो आता है, अगला मेरा जो आता है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारे ऑगी फॉल का एक प्लान है या फिर एक स्केच है, आप इसको भी देख सकते हैं, कुछ नहीं है। आगे बात आती है, हमारा जो अगला आता है दैट इज नोन टू बी एज द रैपिड, दैट इज नोन टू बी एज द रैपिड फ्लो। सर आई विल से वन थिंग टू यू, ए रैपिड फ्लो होता क्या है, रैपिड फॉल सॉरी, ये होता क्या है? देखिए रैपिड फॉल के लिए डायग्राम से अगर समझाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप इसका डायग्राम देखो, आपने इसका डायग्राम देखा लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आप लोगों का यहाँ पर एक फॉल आ रहा है, बड़ा ही स्मूथ पैटर्न से आ रहा है, और तुम्हें ये चीज पता है व्हेनेवर द वाटर इज बीइंग पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट देयर इज मच इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। जब पानी यहाँ से यहाँ आएगा तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और एकदम से आप यहाँ पर देख रहे हैं, एकदम से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको एकदम से थोड़ा ऊपर पैटर्न दिख रहा है। तो कॉमन सेंस मेरी क्या कहती है कि जब पानी आएगा तो पानी के अंदर एकदम हाई वेलोसिटी होगी, एंड दिस पोर्शन विल बी गोइंग टू एक्ट एज अ बैरियर फॉर द वॉटर। ये जो छोटा सा पोर्शन है ये आपके पानी को आगे नहीं बहने देगा, सिंपल सी बात है। और आई कैन से दैट वॉटर विल बी गोइंग टू डायरेक्टली बम्बार्ड विद दिस, पानी इसके साथ डायरेक्टली बम्बार्ड करेगा, डायरेक्टली टकराएगा, ठीक है। टकराने के बाद आई कैन से दैट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप इन द वॉटर। यहां जैसे ही पानी टकराएगा इट विल बी गोइंग टू फॉर्म हाइड्रोलिक जंप और हाई टर्बुलेंस इन द वॉटर। आई कैन से दैट एट दिस पोर्शन देयर विल बी हाइड्रोलिक जंप इन द वॉटर। इस पोर्शन पे पानी के अंदर हाइड्रोलिक जंप आएगा, एंड ड्यू टू द हाइड्रोलिक जंप देयर इज मच लॉस ऑफ द एनर्जी। I will say that there is much loss of energy in the water, and a water with very little energy and a water with very little energy will be going to flow over this, and this is my downstream section. This is actually the major criteria of providing the rapid fall. Now, ladies and gentlemen, I will write some sentence regarding this. That is also very important. तो मैं sentence एक ही साथ यहाँ पे लिखूँगा। हमारा अगला आता है that is the rapid fall. Now, what is the rapid fall? In this type of the fall, a plane surface is provided at a slope of 1:10 to 1:20, where 1 is the vertical, 10 is the horizontal. This is vertical, this is horizontal for flowing of the water. अभी मेरी बात आती है यहां से कि होता क्या है, at some distance there is existence of some barrier. I will write in my own words, तो आप लोग समझ के चलिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। There is existence of one barrier. Little height barrier bracket में लिखना चाहूंगा part of fall, ठीक है, over which it is considered okay, it is considered for formation of hydraulic jump. इसके बाद तीसरा मेरा आता है द
दैट इज नोन टू बी एज द स्टेप्ड वाटरफॉल, दैट इज नोन टू बी एज द स्टेप्ड फॉल. आई विल राइट वन सेंटेंस फॉर द स्टेप्ड फॉल. इट इज एडवांस मॉडिफिकेशन ऑफ द इट इज It is advanced version of rapid fall in which we are considering various rapid falls at smaller extent, various rapid falls pattern and is advanced version of rapid fall in which we are considering various rapid falls pattern in stepped manner. इस पिक्चर में मैंने समझाया नहीं, आपको मैं जरा समझा देता हूँ. आप देखेंगे कि यहाँ पर आप लोगों का पानी आ रहा है, लेकिन इस पोर्शन पे देखेंगे, इस पोर्शन पे एकदम से आपको फॉर्मेशन ऑफ द हाई टर्बुलेंस दिख रहा है. इस पोर्शन पे हाई टर्बुलेंस का एहसास हो रहा है, ड्यू टू विच आई विल से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन की हाइड्रोलिक जंप यहीं पर बन रहा है, यहीं पर आप लोगों का हाइड्रोलिक जंप बन रहा है. वैसे एक बात कहूं, इस तरह से पढ़ने से अच्छा है हम बाद में पढ़ लेंगे. मैं ये सेशन यहीं पे खत्म कर रहा हूं. मैक्सिमम 37 मिनट या 36 मिनट का ये सेशन जाएगा. फर्दर जो सेशन है मैं इसके बाद लेक्चर नंबर 12 में आप लोगों को यही चीज फर्दर कंप्लीट करा दूंगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट. ये सेशन मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे साथ बहुत बड़ा नेट प्रॉब्लम हो रहा है जिसके कारण पढ़ने में मजा नहीं आएगा और कॉन्टिन्यूटी भी नहीं बन पा रही हमारी. तो ये सेशन मैं यही खत्म कर रहा हूँ. आई होप यू विल कॉम्प्रोमाइज विद मी. वी विल बी गोइंग टू फर्दर कंटिन्यू दिस सेशन इन लेक्चर नंबर 12. वी विल बी गोइंग टू कवर अप ऑल द टॉपिक्स, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, तो थैंक यू फॉर कंटिन्यूसली वॉचिंग मी. सो उम्मीद लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोगों को ये सेशन बड़े ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा और आपको जो मैंने बताने की कोशिश करी है उसको समझा भी होगा, सीखा भी होगा. प्लस लेडीज एंड जेंटलमैन आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे और अगर नहीं करे हैं तो कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में मानो ना मानो, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आपके एग्जाम में इसी में से आता है. प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, उससे आपको ट्रस्ट थोड़ा सा बन जाएगा और समझ आ जाएगा कि हम जो कह रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं. सिर्फ पढ़ो. और इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करो यार, क्योंकि बहुत देश में ऐसी चीजें हैं जो फ्री एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, बहुत लोगों को हमारे कंटेंट के बारे में पता ही नहीं लग रहा. तो ऐसा कंटेंट मैं चाहता हूं देश के हर उस नागरिक तक पास पहुंचे जो सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है बस कर नहीं पा रहा. तो कर भलाई तो हो भलाई, इसी सिद्धांत पर चलते हुए शेयर करो यार. वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करो अगर किसी चीज की कमी लगती है, और अगर अच्छा लगता है तो वो भी लिखो, हमें अच्छा लगता है. ठीक है, इसी के साथ लास्ट में हमेशा की तरह एक छोटी सी इंफॉर्मेशन. भैया ये मेरा कोड है एनजी लाइव. अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं इसी तरह का कंटेंट, इसी तरह की नॉलेज डीप में गेन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरे प्लस कोर्स से जुड़ सकते हैं. दैट इज माई कोड एनजी लाइव. It will give you 10% instant discount on overall cost. ये बात आप लोगों को याद रखनी है और आप directly मेरी family से जुड़ जाएंगे. ठीक ना? Cost मैंने आपको बताई दी थी, एक साल और दो साल की कितनी पड़ती है. इससे कम का कोर्स भी अवेलेबल है, बट आप लोग लेना मत क्योंकि वो महंगा पड़ता है और उतने में कुछ हो नहीं पाता. So I will recommend everybody that you need to go with 1 year or 2 year course. It will be beneficial to you always. एक तो cost सस्ती, काफी सारे टीचर्स मिलते हैं, काफी सारे टीचर्स की स्ट्रेटेजी से इंटरेक्ट होने का मौका मिलता है, जो पसंद आती है वो गेट कर, ठीक है ना? तो मतलब काफी कुछ सही रहता है. 2 साल का कोर्स तो बेस्ट होता है, अगर 2 का नहीं लेना तो 1 साल का तो ले ही लेना. इससे कम में वो आउटपुट और एफिशिएंसी नहीं मिल पाती है आप लोगों को जो मिलनी चाहिए. सो अभी के लिए चलते हैं. थैंक यू फॉर कंटिन्यूअसली वॉचिंग मी. जय हिंद, जय भारत. हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, इसी तरीके से कंटेंट मुझसे लेते रहो, पढ़ते रहो और अपने एग्जाम की तैयारी.
मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, तो प्लीज बी पॉजिटिव ऑलवेज, नेगेटिविटी को पास भी मत आने देना, अपने आप में कुछ ना कुछ जरूर समझना क्योंकि भगवान ने सबको एक टैलेंट दे रखा है। तो भाई कमजोर तुम भी नहीं हो, जिस दिन ये लगे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा उस दिन यही सोच लेना कि इतने साल इस धरती पे निकाले हैं, इतनी बाधाओं से लड़कर, इतने मौसम से लड़कर, इतनी परिस्थितियों का सामना करके अब इस पोजीशन पे पहुंचा हूं, तो ऐसा तो नहीं हूं कि कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ तो कर सकता हूं और मेरे अंदर भारतीय जवान का खून दौड़ रहा है, कमजोर तो मैं हो ही नहीं सकता। तो नेगेटिविटी से दूर रह के पॉजिटिविटी में रहना और तैयारी करते रहना। तो चलते हैं यार, बाय।